आज के टाइम में चीज़ों को सीखने के दो तरीके होते हैं, या तो यूट्यूब से सीख लें या फिर विश्वविद्यालय चले जाएं। महीनों के बाद महीने, सेमेस्टर के बाद सेमेस्टर और परीक्षाओं के बाद आपको मिलती है आपकी डिग्री। ईयर 2009 में मुझे अपनी BSc IT की डिग्री मिली थी और उसके बाद कंपनी में जाके प्रोजेक्ट करने होते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स में जब मैंने अपनी स्किल्स अप्लाई की तो हमें पता लगा कि हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि सब कुछ हमने पुराने तरीके से सीखा था। और इसे ध्यान में रखते हुए कि कितना पैसा खर्च हुआ था, ये पैसा और समय दोनों का अपव्यय था। लेकिन आज अगर मुझे IT फील्ड में जाना हो या किसी भी और फील्ड में जाना हो तो मैंने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसे फॉलो करके मैं आसानी से नूबी से प्रो बन सकता हूँ, और जिसे 99% लोग मिस कर जाते हैं। पूरा ब्लूप्रिंट 3 लेवल्स में होगा और हर लेवल पे 3 स्टेप्स होंगे। और लेवल 1 होगा सिलेक्ट, अपनी नींव डालें। यह स्तर आपकी बुनियाद डालने के बारे में है। अगर आपको कुछ नहीं आता हो और आपको परीक्षा में बिठा दिया जाए तो आपकी हालत कैसी होगी? वैसी ही जैसे युद्ध में धनिया बेचने वाले की। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आपने सेना ज्वाइन कर ली और वहाँ पे आपने 2 साल ट्रेनिंग की, और आप जैसे ही 100 और लोगों ने सेम ट्रेनिंग ली। सभी लोगों ने साथ में खाया, साथ में सोए, और सभी को साथ में सजा भी मिली जब भी कोई गलती की। और 2 साल बाद सभी को देश के अलग अलग जगह पर बॉर्डर पे भेज दिया गया लड़ने के लिए। यहाँ पे सोचने की बात यह है कि एंड गोल था बॉर्डर पे जाके लड़ना, इसलिए ट्रेनिंग भी आसान हो गई और बॉर्डर पे जाके लड़ना भी आसान हो गया। वहीं अगर आपने ट्रेनिंग ली होती पेंटिंग करने की और आपको बॉर्डर पे भेज दिया जाता बंदूक के साथ, तो उस कहर को आप शायद नहीं झेल पाते। इसलिए इस स्टेज का स्टेप 1 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सवाल आता है कि स्टेप 1 है क्या? बहुत ही सिंपल है। जो भी आप सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं? नहीं, सीरियसली क्यों सीख रहे? यदि कॉलेज और स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपका वाई ये तो नहीं कि पापा ने एडमिशन करवा दिया है इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? आपका खुद का वाई होना चाहिए। जैसे मेरा खुद का वाई था कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने थे। ऑब्वियसली ये सुनने में बहुत ही बकवास वाई है, बट वाई खुद का ही होना चाहिए। कुछ लोगों को सीखना पसंद होता है तो कुछ लोग पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ विदेश जाना चाहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन आपका पहला पग उठने से पहले आपका वाई डिसाइड होना चाहिए। और अगर आपके पास वाई नहीं है तो ऐसे में आप सिर्फ 2 ही चीज कर पाओगे, या तो आप फेल हो जाओगे या फिर आप क्विट कर जाओगे। और इसलिए वाई पता करना बहुत जरूरी है। एंड लकीली वाई पता करना बहुत ही आसान है इस तरीके से। वेट, वंडर, एनालिसिस, यील्ड। वंडर, सोचिए जिस फील्ड में आप घुसे हैं उस फील्ड में सबसे ज्यादा आपको क्या आकर्षित करता है? क्या किसी मूवी के अंदर कोई VFX आपको आकर्षित करता है? यदि हाँ तो उसका पोस्टर बना के अपनी दीवार के सामने चिपका दीजिए। एनालाइज, अब पूछिए आपको जो चीज आकर्षित करती है वो एक्चुअली है किस बारे में, आपको एग्जैक्टली क्या अच्छा लगा। यदि आपको VFX अच्छा लगा है तो उसमें भी कई सारी चीजें होती है, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग ट्रिक्स, इन कैमरा ट्रिक्स। कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा चीजें भी पसंद होती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें लिख दीजिए। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप समय लगाकर इसे डिसाइड कर ले। अब यदि इस स्टेप में अपने पिछले दोनों स्टेप्स के रिजल्ट्स को मिलाएंगे तो कुछ मैजिकल होगा। अब अचानक से आपका वाई एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगा, जिसे कई सारे आंसर्स आपको मिलने लगेंगे, और इन सभी आंसर्स में से कोई एक आंसर से आपको चुनना है जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करता है। एक्चुअली इस पूरी ब्लूप्रिंट का ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। यदि आप ये भर दे तो जवाब आसान हो सकता है। मैं डैश अपनी फील्ड में इसलिए डैश एक्शन चाहता हूं क्योंकि उससे मैं डैश रिजल्ट चाहता हूं। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता, इसलिए 99% लोगों से आप वैसे ही आगे निकल जाएंगे। मैं यहां पे आपके एग्जाम रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आपका वाई इतना पावरफुल है कि वो उस शक्तिशाली सूर्य की तरह है जो हजारों किलोमीटर दूर से ही आपको अपने तेज से प्रकाशमान और गर्म रखता है, तो आपकी मार्कशीट में भी नंबर तेजी से ऊपर जाने लगेंगे।
जैसे कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा दूध बेचने का डिसाइड किया, और ज़्यादा दूध बेचने के लिए उसे कार सीखना ज़रूरी था क्योंकि उसका वाई इतना स्ट्रांग था। उसने लिटरली एक हफ्ते के अंदर ही कार चलाना सीख ली, वो भी यूट्यूब के वीडियोज़ देख के। और आप मानेंगे नहीं, ज़्यादातर लोग महीनों निकाल देते हैं कार ड्राइविंग स्कूल्स में भी और फिर भी नहीं सीख पाते। लेकिन वाई पजल का सिर्फ आधा हिस्सा है, और जब ये अपने दूसरे हिस्से से मिलेगा तो ये आपकी प्रोग्रेस को स्काई रॉकेट कर देगा। पजल का दूसरा हिस्सा है डोमेन। यदि आपको पता है कि आपका वाई क्या है बट आपको अपने डोमेन पे काबू नहीं है, तो आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे जिसमें फेलियर ही फेलियर है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। मान लीजिए आप हैं और 10वीं की कक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और 10वीं में 90% लाना आपका एम है ताकि आप अच्छी स्कूल में एडमिशन ले सके। तो आप डिसाइड करते हैं साइंस पढ़ने का। शुरू के 5 चैप्टर आपको बड़े ही आसान लग रहे हैं, सब समझ आ रहा था, आपका प्रोग्रेस बार आसमान छू रहा था। उसके बाद नए नए कंसेप्ट आपको समझ नहीं आए और आपकी प्रोग्रेस बार नीचे गिरने लगी। यहाँ पहुंचकर आपको लगने लगा कि ये फिर से ट्राई करते हैं, या फिर आपको लगेगा कि क्यों ना सोशल स्टडीज करते हैं, और बार बार ही आप अटकेंगे और बार बार इस गड्ढे में गिरेंगे। तो फिर इस साइकिल को कैसे तोड़ेंगे, इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलेंगे? आपको याद है इस स्टेप का नाम क्या था? डोमेन। तो क्या है डोमेन? इस साइकिल को तोड़ने के लिए और इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए आपको अपना डोमेन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि वाई आपकी बैक स्टोरी है तो डोमेन आपका कैरेक्टर है। जैसे किसी मूवी में एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी के अंदर एक मेन कैरेक्टर होता है, डोमेन वही कैरेक्टर है। उदाहरण के तौर पे यदि आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना आपका वाई है तो आपका डोमेन क्या होगा? मे बी साइंस स्ट्रीम में हिस्सा लेना, या आर्ट्स में, या कॉमर्स में। यदि साइंस में जाना है तो साइंस और मैथ्स आपके पैशन प्रोजेक्ट्स होंगे। वहीं इंग्लिश और सोशल स्टडीज में नंबर लगाना जरूरी है, भले रट्टा मारना पड़े। वहीं साइंस और मैथ्स में रट्टा तो मारो पर समझ भी आना जरूरी है। वहीं अगर आप आर्ट्स लेंगे तब खेल वहीं रहेगा, बस तरीका बदल जाएगा। और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सीखने की जरूरत है, और जो आपको सीखने की जरूरत है उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, और इसे आप कह सकते हैं आपका नीश। डोमेन पहचानने का सबसे आसान मैप, जिसका स्टेज 1 है मस्टर। याद है वो मूवी का सीन जिसका मूवी पोस्टर आपने लगाया था, जिसका VFX आपको पसंद आ गया था? रियल में लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक सीन ही आपको इंस्पायर करे। एक्चुअली में कई सारे सीन्स ने मिल के आपको इंस्पायर किया था। तो आपका काम है उन सभी सीन्स को लिस्ट बना के लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है असेस, इन सभी के VFX में क्या क्या पार्ट्स हैं एक्सेट्रा की लिस्ट बना लीजिए। और थर्ड स्टेप है प्लॉट, इसमें सारी की सारी स्किल्स में से एक एक करके अपने वाई से मैच करवाइए। जो ना मैच हो उसे डिलीट कर दीजिए। जो आपको एक्साइट करे और आपके वाई से परफेक्टली मैच हो वही आपका नीश बन के निकलेगा, वही आपका डोमेन है, वही आपकी टेरिटरी है। ये मेथड बहुत ही पावरफुल है और इस ट्रैप से आपको हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। अब आपके पास आपका वाई है और आपका डोमेन है, पर इस अगले स्टेप के बिना आप उस चाय के रेडीमेड सांचे की तरह हैं जिसमें पोटेंशियल तो है टेस्टी होने का, पर उसे फांक लिया तो आप चौक कर जाएंगे। उस स्टेप का नाम है क्वेस्ट। वाई और डोमेन को एक साथ लाएं तो हमको अपना मैप मिल जाएगा जिसमें हमको स्टार्टिंग पता है और एंड पता है, लेकिन वहां तक जाएं कैसे ये नहीं पता है। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम गोल गोल ही घूमते रहें और कभी भी एंड तक पहुंचे ही ना। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम अपना रास्ता खुद ही प्लॉट कर लें, और जो कि बड़ा ही आसान है। और याद रखिए 99% के पास तो मैप भी नहीं है। प्लॉट करने के 2 ऑप्शन हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1, पहला तरीका है लाइट हाउस मेथड, जिसके 5 पार्ट्स हैं, जिसका पहला स्टेज है डिफाइन, जिसका मतलब है कि आपको कुछ गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे और अपने एंड गोल तक पहुंचने के लिए 5 स्पेसिफिक गोल्स को लिख लीजिए। स्टेज 2 है वाई, खुद से कुछ सवाल पूछिए, जैसे कि गोल अचीव नहीं किया तो क्या होगा, ये गोल मुझे एक्साइट करता है क्या, और गोल अचीव करने से क्या फायदा होगा, इत्यादि। मान लो कि ये गोल्स के वाई आपके मेन वाई जैसे ही हैं तो भी ये एक्सरसाइज जरूर करें। अगर किसी गोल का रीजन नहीं है तो ऐसे गोल को डिलीट कर दीजिए। स्टेज 3 है प्लान, डिसाइड कीजिए आपकी स्टार्ट से एंड तक
जर्नी में क्या माइलस्टोन आएंगे और उन्हें नोट कर लीजिए। दैट्स इट। जैसे अगर 11वीं में साइंस लेने के लिए साइंस मैथ्स दोनों अच्छे होने चाहिए, लेकिन वहाँ भी बायोलॉजी और इंजीनियरिंग से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर इंजीनियरिंग चाहिए तो साइंस मैथ्स दोनों में अच्छे होने चाहिए, और बायोलॉजी के लिए साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स इतनी खास नहीं। स्टेज 4 है डेडलाइन। ये एग्जैक्टली वही है जो दिख रहा है। आपके हर गोल की एक डेडलाइन होनी चाहिए जिससे आप काम जल्दी खत्म कर पाएंगे, जिसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी और आपके सारे गोल एक टाइमलाइन पे होंगे, जिससे कभी भी आप देख पाएंगे कि आप एग्जैक्टली अपने सफर में कहाँ हैं। अब स्टेज 5 रिव्यू। हर महीने चेक कीजिए आपके गोल की हालत। जैसे कि आपने गोल रख लिया कि 10वीं पास करना है, भाई उसे तो होने में 1 साल लगेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, चेक कीजिए कि गोल कहीं बहुत आसान तो नहीं या बहुत ही इम्पॉसिबल तो नहीं। न सिर्फ ये गोल्स को आसान बनाएंगे बल्कि सुपर फास्ट भी। लेकिन क्या हो अगर एक और तरीका भी हो गोल्स अचीव करने का, वो देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक आप पार्ट 1 करके देखिए। सी यू इन नेक्स्ट 1।